सारी बात है कि संरक्षी बल क्या होता है। ये संरक्षी बल क्या है? देखो, बल बहुत प्रकार के हैं। जो आपने बहुत सारे बल पढ़ा, आप कमानी बल है, भार का बल है ना, बहुत सारा बल है। लेकिन संरक्षी बल और असंरक्षी बल में कैसे उसको डिवाइड करें? अगर किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के गति पथ पर निर्भर न करके वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है तो उसको कहते हैं संरक्षी बल। क्या कहेंगे? जैसे मान लो कि यह पिंड जो है यहां है, ठीक है, और इस पिंड को यहां तक लाया गया, पिंड को यहां तक लाया गया, और इस पिंड को कैसे लाया गया, ऐसे घुमाकर कि कैसे घुमाकर लाया गया, यहां किया गया, यहां से यहां लाने में जो किया गया कार्य है वह ध्यान देना है, वह इसके गति पथ पर निर्भर ना करे, ये प्रथम पोजीशन और अंतिम पोजीशन पर निर्भर करे, तो इसको कहते हैं संरक्षी बल। मतलब संरक्षी बल वैसा बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, यह वस्तु के गति पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह मायने इस बात का नहीं रखता है कि वस्तु को लाया कैसे गया है। बस वस्तु यहाँ प्रारंभिक स्थिति पर है और यहाँ क्या हो गया, यह इसका प्रारंभिक स्थिति है और यह अंतिम स्थिति। बस ये डिपेंड करता है कि वस्तु पहले था कहाँ और अब कहाँ है, बस इस पर निर्भर करे। जैसे भार का बल, अब भार के बल को संरक्षी बल कहेंगे। अब बात है कि भाई भार के बल को संरक्षी बल कहेंगे कहें। जैसे मैं कह रहा हूं कि भार का बल का कौन सा बल है? संरक्षी बल है। कौन सा बल है? संरक्षी बल। अब आखिर ये संरक्षी बल कैसे है यह बात भी समझ ही लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि यहां पे पिंड है, ये जमीन है, और यहां से इस पिंड को उठाया गया, यहां लाया गया, कितना दूरी पर, h दूरी पर, ऊंचाई पर, ऊपर उठाया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इसको उठाया कितना गया है, h तक। हमें बस यह साबित कर देना है कि पिंड को कैसे भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे सीधा ले जाओ, किया गया कार्य जो होगा दोनों स्थिति में क्या होगा, बराबर। मतलब मैं यह साबित करने जा रहा हूं कि पिंड द्वारा कैसे भी स्थिति में, माने किसी भी तरह से आप ले जा रहे हो, अगर h ऊंचाई ऊपर उठा रहे हो, चाहे तिरछा चाहे सीधा, हमेशा किया गया कार्य क्या रहे, एक समान रहे। तो अब देखो, अच्छा बताओ तो इस पिंड पर नीचे की ओर कौन सा बल लगेगा? भार का बल mg लगेगा ना। कोई भी पिंड m द्रव्यमान का है तो उसे पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगी, कितना बल से, mg बल से, जिसको हम भार का बल कहते हैं। और वस्तु पर बल लग रहा है नीचे और आप वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा, बल लग रहा है नीचे और वस्तु को उठा रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि भार के बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, पहले भार का बल कितना होगा, कितना होगा, अरे mg होगा ना, अरे यह m द्रव्यमान है और g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, तो पिंड पर पृथ्वी नीचे की ओर बल लगाएगी उसका मान होगा mg। अब बात यह है कि भाई बल लग रहा है नीचे और आप वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर, तो आप जानते हैं कि बल लगे नीचे और वस्तु उठे ऊपर, तो किया गया कार्य जो होता है वह माइनस हो जाएगा, माइनस fs हो जाता है, कितना हो जाएगा, माइनस fs, जिसको हम ऋणात्मक कार्य के नाम से भी जानते हैं। अब माइनस fs कैसे हो जाएगा, आप पढ़े होंगे fs cos थीटा पढ़े हैं, अगर बल लगा रहे हैं नीचे, अब विस्थापन हो ऊपर, एक दूसरे के विपरीत लग रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत लगेगा तो थीटा कितना हो गया, तो W बराबर cos 180 माने माइनस एक होता है, माइनस एफ एस नहीं हो गया। उसी प्रकार आपका भार का बल लग रहा है नीचे mg और आप वस्तु को उठा रहे हैं ऊपर, अब ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि बल द्वारा, भार के बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा, किया गया जो कार्य होगा वह W बराबर माइनस एफ एस होगा ना, माइनस एफ एस। अब एफ एस माइनस एफ माने बल, बल माने कितना mg,
एस माने दूरी, तो दूरी यहां कितना है, एच ना है तो कितना हो जाएगा माइनस एम जी एच। आपने अभी यह निकाला कि अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाए तो भार के बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो माइनस एम जी एच होता है। अब हम यह साबित कर दें कि सीधा न ले जाकर आनत तल पर तिरछा ले जाए, एच ऊंचाई, एच ऊंचाई हमने सीधा उठाया है ऊपर, अगर हम तिरछा उठा रहे हैं तब भी भार के बल द्वारा किया गया कार्य अगर माइनस एम जी एच आ जाए तब मान लेंगे कि यह बल क्या है, संरक्षी बल है। कि संरक्षी बल का, संरक्षी बल को अगर साबित करना है तो बस यह साबित कर दीजिए कि सीधा एच ऊंचाई उठाए हो वह कार्य और तिरछा एच ऊंचाई उठाए हो वह कार्य, अगर दोनों स्थिति में कार्य बराबर हो जाए तो माना जाएगा कि वह बल क्या है, संरक्षी बल है। अब यही काम हम करने वाले हैं। अब एक आनत तल ले लेते हैं, आनत तल समझते हो क्या होता है, जो तिरछा हो, यह कोई आनत तल है, यह आनत तल है और यहां से वस्तु गति करना शुरू कर रही है, यहां यहां पे वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, इसका वही वस्तु को मैंने तिरछा उठाया है, यह कितना है m है और यह ऊंचाई कितना है h है। जरा समझिए कि इस पर भी तो भार का बल लगेगा, लगेगा ना, इस पर भी भार का बल लगेगा। यह जो ऊंचाई है यह ऊंचाई यहां वाला नहीं है, यह ऊंचाई आप जमीन की सतह से, यह ऊंचाई कितना है h है और यह वस्तु को आप ऐसे यहां से शुरू करने ले जाने, यह ए है, बी है, यह ए है, ए जीरो, ए ओ, ए, इसको क्या मान लें, बी मान लें, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात होगी, ये आनत तल है, हमने एच ऊंचाई इस बार भी उठाया लेकिन इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने सीधा ना उठाकर तिरछा ले गया, एच ऊंचाई ही मैंने उठाया, जमीन से यह ऊंचाई कितना है एच है लेकिन इस बार मैंने सीधा नहीं उठाकर ऐसे तिरछा स्लोप में उठाया, तो देखा जाए कि क्या स्लोप में भी उठाने पर किया गया कार्य माइनस एम जी एच ही आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब यह जो बल की बात, जिस बल की बात कर रहे हैं वो कौन सा बल है, संरक्षी। तो अब इस पर नीचे की ओर एक बल लगेगा, कौन सा बल, भार का बल लगेगा क्या, एम जी, लेकिन ध्यान रखिए वस्तु तो तिरछा गति कर रहा है तो यह एम जी के दो घटक हो जाएंगे, एक ऐसे नीचे की तरफ और एक बगल की तरफ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने तिरछा, आपने कोण बनाया, यहां आपने कोण बनाकर यहां गति कराया, अब ऐसी स्थिति में वस्तु पर बल लगेगा कहां, नीचे, सीधा mgh। और आप जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर कोण बना दे तो उसके दो घटक हो जाएंगे, एक क्षैतिज दिशा में और एक उदग्र दिशा में, तो अब यहां जो होगा, यह जो कोण होगा, यह जो घटक होगा, इसको कहेंगे mg sin थीटा, क्या कहेंगे, यह कोण थीटा है यहां और इसको कहेंगे क्या, mg cos थीटा, mg cos थीटा। अब आप मुझे बताइए, नीचे लग रहा है क्या mg sin थीटा और बगल में लग रहा है, अब मुझे यह बताइए कि क्या cos थीटा और कोई गति हो रहा है, ऐसे गति हो रहा है, ये गति नीचे बल लग रहा है mg sin थीटा, अब mg नहीं, क्या लग रहा है, mg sin थीटा, भले वस्तु का गति नीचे ना होकर ऊपर हो रहा है, क्योंकि वस्तु को हम नीचे o से कहां ले जा रहे हैं, a तक ले जा रहे हैं, तो o से a तक ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और बल लग रहा है नीचे, तो फिर वही बात, बल लगेगा नीचे, वस्तु जाएगा ऊपर, तो क्या हो, क्या सूत्र होता है, माइनस एफ एस, माइनस एफ गुणे, माइनस एफ गुणे एस, जहां एफ क्या है, बल है, और एस क्या है, विस्थापन है, दूरी है, ऊंचाई है कि नहीं, तो अब यही लगाएंगे, लिखा जाएगा, अब भार के बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य W बराबर, सूत्र तो वही लगेगा लेकिन F का मान अब की बार क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, और S का मान क्या होगा, S मतलब क्या, ऊंचाई है ना। अब आप यहां से देखिए, अब यहां से साइन थीटा का मान क्या होगा,
यह भी बात हमें समझना होगा ना, साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखो साइन थीटा होता है क्या, पी बटा एच, क्या होगा पी बटा एच। यहाँ हमारे पास अब चूंकि एच हमारे पास मिला नहीं है, यह जो डिस्टेंस है, यह जो एच की बात हो रही है, तो ये तो हमारे पास मिला थोड़ी है अभी, यह एच तो हमको मिला नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस ज्ञात है नहीं। अब करेंगे क्या, तो हमें करना यह पड़ेगा कि साइन थीटा का मान बिठाना पड़ेगा, कथी का मान बिठाना पड़ेगा साइन थीटा। यह अभी तो फिलहाल में मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो यह डिस्टेंस कितना है एस है। अब यहाँ डब्लू बराबर हो जाएगा माइनस एम जी, और साइन का मान क्या होता है पी बटा एच, तो पी का मान क्या है, यहाँ पी का मान क्या है आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान यहाँ कितना है एच है, और कर्ण नहीं दिया है तो मैंने माना है कितना एस, और इंटू में क्या है एस। अब बताइए ये दोनों कट नहीं जाएगा, तो डब्लू बराबर माइनस एम जी एच हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने जब सीधे उठा लिया था, वस्तु को सीधे उठाया था, उस समय भी किया गया कार्य भार के बल द्वारा किया गया कार्य माइनस एम जी एच था। अब वस्तु को हम लोगों ने क्या किया है, तिरछा उठाया है एच ऊंचाई, तब भी हम देख रहे हैं कि भार के बल द्वारा किया गया कार्य माइनस एम जी एच है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भाई किसी भी तरह से अगर आप वस्तु को उठा रहे हो, बस केवल ऊंचाई एक होना चाहिए, ऊंचाई एच है, आप तिरछा उठाओ, ऐसे घुमाकर उठाओ, 90 डिग्री कोण बनाकर, 60 डिग्री कोण बनाकर, जैसे मन वैसे उठाओ, केवल ऊंचाई एक जैसा होना चाहिए, तो किया गया कार्य क्या है बराबर है। जब किया गया कार्य बराबर है तो मान लिया जाएगा कि यह जो भार का बल है वह एक संरक्षी बल है। तो आपने लास्ट में यही निचोड़ आपने निकाला कि संरक्षी बल वैसा बल होता है, संरक्षी बल वैसा बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य उसके गति पथ पर निर्भर नहीं करता है, वह सिर्फ उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है कहां और खत्म कहां हो रहा है, बस इस पर। बाकी अब तिरछा ले जा रहे हो या सीधा ले जा रहे हो, इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता है। यही तो है संरक्षी बल, ठीक है, यही लिखना है, लिखिए।